नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज। वार्ड क्रमांक 10 व 18 के मेन रोड में बीती रात 1 से 2 बजे के बीच जंगली भालू के खुलेआम विचरण से वार्ड वासियों में दहशत का माहौल है। वार्ड वासियों ने प्रशासन से तत्काल भालू को पकड़कर अभ्यारण पहुंचाने की मांग की है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव द्वारा शिक्षा विभाग में 700 प्लस पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए एक वीडियो जारी किया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन कल बीएसपी के खिलाफ करेंगे चक्का जाम। संतोष देवांगन का बड़ा आरोप, प्रशासन के अधिकारी ले चुके हैं कांग्रेस की सदस्यता। यहां कानून सबके लिए पद देख कर काम करता है। संतोष देवांगन यह भी कहा कि कोविड के नियमों का पालन करते अकेले करूंगा चक्का जाम, प्रशासन जब चाहे मुझे कर सकता है गिरफ्तार, भेज दे जेल। जनता की लड़ाई के लिए हर जेल में रहने को तैयार। संतोष देवांगन ने विपक्षी पार्टी भाजपा के लोगों पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि दल्ली राज रखे भाजपाई कांग्रेस से, इसलिए ही केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा ठंडे बस्ते में है। अब भी भाजपाइयों में शर्म बची हो तो रोड में उतर कर जनता की लड़ाई लड़े। दल्ली राजरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का जिन फिर हावी हुआ, इस बार डस्टबिन घोटाले के रूप में जिन बाहर आया है। दल्ली राजरा नगर पालिका पर आए दिन करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। नए मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन ने बताया कि उनके द्वारा इस डस्टबिन खरीदी का विरोध परिषद में किया गया था, पर अकेले होने के कारण उनकी बातों को अनसुना कर यह डस्टबिन खरीदी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डस्टबिन की खरीदी 7,000 रुपए के आसपास की बताई गई है, जबकि घटिया क्वालिटी का यह डस्टबिन लोहे फ्रेम कंक्रीट करने के साथ अधिकतम 800 से 1,000 के बीच खर्च में बन जाता, परंतु इसके लिए 7,000 रुपए का आहरण कर लिया गया है। यह बड़ा भ्रष्टाचार है। अब तो दल्ली राजरा के शहरों में भी जनता नगर पालिका के भ्रष्टाचार पर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि सत्ते के नशे में चूर जनप्रतिनिधि व अधिकारी कब इसका संज्ञान लेते हैं। भाजपा नेता अनिल खोबरागढ़े ने केंद्र द्वारा वैक्सीन देने की घोषणा को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष शंकर साहू के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ चलाया गया जन जागरण अभियान, साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। नवनियुक्त युवा मोर्चा दल्ली राजरा के अध्यक्ष संजीव सिंह का वार्ड क्रमांक 4 पार्षद व वार्ड वासियों ने किया स्वागत। बालोद जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी का हुआ गठन। जिला उपाध्यक्ष मनीष सेन, महामंत्री परितोष हंसपाल, विधानसभा अध्यक्ष हरीश साहू, नगर अध्यक्ष सोहेल खान, संयुक्त महासचिव राजू चौधरी सहित कई युवा नेताओं को पदाधिकारी बनाकर दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा नेता सौरभ लुनिया व मनोज दुबे ने वैक्सीन ड्राइव का सीधा केंद्र द्वारा घोषणा करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश दल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज़।